ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। खबरों की ओर नजर डालेंगे। रायपुर से खबर है जहां साय कैबिनेट की बैठक हुई जिसमें कई अहम फैसले लिए गए हैं। बैठक के बाद डिप्टी सीएम अरुण साव ने बैठक में किए गए फैसलों के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि अब बाकी प्रदेशों के मंडी बोर्ड के कारोबारी ई नाम के जरिए खरीदी कर सकेंगे। उनके लिए यहाँ पंजीयन की जरूरत नहीं होगी और इससे छत्तीसगढ़ के किसानों को उनकी उपज का बेहतर दाम मिल सकेगा। इसके साथ ही सरकार ने तय किया है कि अब मंडी फीस की जगह अब मंडी फीस तथा कृषक कल्याण शुल्क का नाम दिया जाएगा। इसके साथ मंडी बोर्ड अपनी कमाई की 10% राशि छत्तीसगढ़ राज्य कृषक कल्याण निधि में जमा करेगा। विष्णुदेव साय जी की सरकार ने आज एक और महत्वपूर्ण निर्णय किसानों के हित में लिया है। किसानों को उनकी फसल का अधिकतम मूल्य प्राप्त हो इसके लिए छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम में संशोधन किए जाने का निर्णय लिया है। भारत सरकार द्वारा संचालित ई नाम पोर्टल राष्ट्रीय कृषि बाजार के माध्यम से अधिसूचित कृषि उपज की खरीदी व बिक्री बिना पंजीयन के कर सकेंगे। इससे छत्तीसगढ़ राज्य के किसानों और विक्रेताओं को अधिकतम मूल्य मिल पाएगा। एक और महत्वपूर्ण निर्णय आज के मंत्रिपरिषद की बैठक में लिया गया जिसके माध्यम से छत्तीसगढ़ राज्य के नगरी क्षेत्रों में शासकीय भूमि के आवंटन, अतिक्रमित भूमि के व्यवस्थापन और भूमि स्वामी हक को प्रदान करने के संबंध में मंत्रिपरिषद ने महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए इस संबंध में पूर्व में जारी सभी परिपत्रों को निरस्त किया है। मंत्रिपरिषद की बैठक में निर्णय लिया गया कि इन प्रपत्रों के अंतर्गत जारी आदेशों के तहत आवंटित भूमि की जानकारी राजस्व विभाग की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएगी और इस संबंध में किसी को कोई आपत्ति या शिकायत हो तो शिकायत प्राप्त होने पर संभागीय आयुक्त इसकी सुनवाई करेंगे। मंत्रिपरिषद की बैठक में जीएसटी माल और सेवा कर संशोधन अधिनियम विधेयक 2024 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। जीएसटी काउंसिल द्वारा इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के संबंध में आगत कर प्रत्यक्ष लिए जाने के प्रावधान को युक्तियुक्त बनाने एवं पान मसाला गुटखा इत्यादि के विनिर्माण में लगने वाले मशीनों के रजिस्ट्रीकरण के लिए अधिनियम में कुछ संशोधन करने का निर्णय लिया गया था। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग का 22वां वार्षिक प्रतिवेदन 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक की अवधि के लिए विधानसभा के पटल में रखे जाने हेतु अग्रिम कार्यवाही करने के लिए सामान्य प्रशासन विभाग को अधिकृत किया गया। आईईडी ब्लास्ट में हमारे मोवा के रहने वाले एसटीएफ के जवान भरतलाल साहू शहीद हुए हैं और उनकी स्मृति को अक्षुण्य बनाए रखने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साय जी ने मोवा बाजार चौक रायपुर का नामकरण शहीद भरतलाल साहू चौक करने की घोषणा उन्होंने की है।